स्टूडेंट आपने सेवन वाला पार्ट पढ़ा, वन पे टू का सेवन वाला पार्ट है, आप वो देखें। अब इस क्वेश्चन को पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो अब आपने पहले नंबर पर आपने इसको चेंज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। वो देखें किस तरह चेंज करना है। लिखना मल्टीप्लाई बाय इधर देखो डिनोमिनेटर एक्स माइनस सिक्स और इधर डिनोमिनेटर एक्स माइनस फाइव। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम होते फिर एक दफ़ा लिखना था एलसीएम में। अब ये दोनों लहदा फैक्टर है तो इसलिए दोनों को लहदा लिखने ऑन बोथ साइड। अब इसके साथ स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई ये सारी टर्म थ्री एक्स माइनस सिक्स माइनस फिर दोबारा ये सारे लिखे फैक्टर दोनों एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई फोर एक्स माइनस फाइव। इस तरह स्टूडेंट वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस फाइव। अब इस तरह स्टूडेंट ये इसके साथ क्रॉस हो जाना है, पीछे बचा थ्री और एस माइनस फाइव। इस तरह स्टूडेंट ये इसके साथ क्रॉस, पीछे बचा फोर मल्टीप्लाई एस माइनस सिक्स। इस तरह स्टूडेंट वन पे से मल्टीप्लाई करना वही आ जाना है एस माइनस सिक्स और एस माइनस फाइव। अब इस तरह स्टूडेंट थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, फोर को एक्स से मल्टीप्लाई किया फोर एक्स, माइनस माइनस प्लस फोर सिक्स है ट्वेंटी फोर। इस तरह स्टूडेंट आप इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इस एक्स को आपने इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह इस माइनस सिक्स को आपने इस सारे फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है। इस तरह स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें थ्री एक्स और फोर एक्स, फोर एक्स में थ्री एक्स माइनस किया तो माइनस एक्स आया, बड़ी बोर्ड के साथ माइनस है। एस वाले टर्म का सोल्यूशन कर दें। अब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्यूशन करें, ट्वेंटी फोर में फिफ्टी माइनस किया माइनस प्लस माइनस है तो प्लस नाइन आता है। क्या आता है जी? प्लस नाइन। इस तरह स्टूडेंट आपने एस को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एस को एक्स एस के, एस को फाइव से फाइव एक्स है और सिक्स को एक्स से सिक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस सिक्स फाइव का थर्टी। इस तरह स्टूडेंट माइनस एक्स प्लस नाइन। अब यहाँ पर भी अरेंज कर लें माइनस फाइव एक्स और माइनस सिक्स एक्स माइनस अलेवन एक्स प्लस थर्टी। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म भी आप इस तरफ ले आए, एस के माइनस अलेवन एक्स प्लस थर्टी आया। अब स्टूडेंट ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस और इधर बचा जीरो। अब स्टूडेंट जीरो इज इक्वल टू एस के माइनस अलेवन एक्स में प्लस एक्स निकाले तो माइनस टेन एक्स आया, माइनस अलेवन एक्स में प्लस एक्स निकाले तो माइनस टेन एक्स और थर्टी में माइनस नाइन किया तो प्लस ट्वेंटी वन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब आप इसे इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज में आपने ये अमाउंट इस तरफ राइट कर देनी है एस के माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन और जीरो इस तरफ राइट कर देनी है। इंटरचेंज में स्टूडेंट ये सारी इक्वेशन इस तरफ और जीरो इस तरफ आ जाना है और इधर से फिर आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बाकी आपको क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दो।